तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कौन कौन सा जो टॉपिक जो इस कॉलेज में डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द कॉलेज, कोर्सेज एंड फीस, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन, फैसिलिटी, स्पोर्ट्स इवेंट, प्लेसमेंट्स और कट ऑफ के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने और भी राजस्थान के और भी टॉप प्राइवेट के कॉलेज के बारे में रिव्यूज़ किए हुए हैं। अगर आपको कोई वीडियोज़ देखनी है तो हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर सबसे पहले मैं अबाउट द कॉलेज की बात कर लेता हूँ। तो अबाउट द कॉलेज की बात कर लूँ तो इस कॉलेज जो है पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या एटोनॉमस, या फिर आप, मैं एक बात आपको बता दूँ यार, जब 2019 में जो था ये गवर्नमेंट था, ठीक है, गवर्नमेंट के बाद इसके हट गया इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर हो गया। फिर यार लगा एटोनॉमस है, एटोनॉमस भी पता नहीं है कि नहीं है, फिर प्राइवेट है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद यहाँ जेंडर स्टेटमेंट में बात कर लो तो यहाँ पर कोविड है और यहाँ पर इस्टेब्लिश है जो है इसका 1999 है और टोटल फैकल्टी मेम्बर्स यार 82 तो नहीं होंगे, मतलब थोड़े से अधिक ही होंगे, 150 अप्रॉक्स होंगे। और टोटल स्टूडेंट जो होते हैं 600 जो है इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इससे कम भी होता है, फिर ज़्यादा भी होता है, कोई नंबर फिक्स नहीं होता कि कितने स्टूडेंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोर्सेज की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कोर्सेज में बी बी टेक एम ई एम टेक पी ए एम बी ए पी जी डी टेंथ आफ्टर टेन बी 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 ए एम सी और पी एच डी ऐसे कोर्सेज जो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बी बी ए की फीस बात कर लेता हूँ तो बी बी ए की फीस जो है 75,000 है, बी सी ए की 75,000, बी टेक की जो है 60,000 पर 60,000 पर ईयर है। ठीक है, मतलब कि 2.20 लाख से सीट 90 है और कम्युनिकेशन की 2 मतलब वही है 60,000 पर ईयर होती है और 90 सीट यार आप सीट तो यहाँ पूरी कंप्यूटर तो फिल होती ही नहीं किसी ब्रांच की, मतलब। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, 45% है इन क्लास 12th है और रीप और जेई मेंस के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं। ठीक है, मतलब यार मैं एक बात बोलूँ तो अगर आपको परसेंट, अगर आपने 12th ही पास किया हुआ है, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। और यार रीप और जे मेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलो यहाँ डायरेक्ट आओ, यहाँ पे बोलो मुझे भैया एडमिशन चाहिए बी सी एस में चाहिए, यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि आप कोई भी मतलब ऐसे 60 बच्चों की सीट है, सी एस छोड़ दीजिए बस, और सी एस मैकेनिकल और थोड़ा बहुत सिविल भी छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 ब्रांच छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पर किसी भी ब्रांच की जो है सीट नहीं फुल होती है पूरी। ठीक है, हमारे 60 सीट है ना, तो 60 में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो तो 10, 12, 20, 22 से अधिक का भी बच्चे नहीं आएंगे, और आईटी में 40। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल में तो 2, 3, 4 बस आ गए, तो इससे अधिक यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, इसकी इतनी बुरी हालत इस कॉलेज की हो रखी है इस टाइम। और यार मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे यार बहुत मुश्किल से एक हो स्पोर्ट्स डे समझ लीजिए बना दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट नहीं होता है। अगर आपको जो इस कॉलेज की टीम जाते हैं ना, तो उसको भी मतलब जो होते हैं ना कि समझ लो कि खुद के पैसे से कॉलेज की स्पोर्ट्स में जाना पड़ता है, अब तक कॉलेज जो है होता है बहुत ही कम फंड देता है स्पोर्ट्स पे। ठीक है, और मैं फेस्ट की बात कर लूँ तो यार यहाँ पे आपको ना कोई साल में कोई फेस्ट देखने को मिलेगा, ना कोई एलम देखने को मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है इस कॉलेज में, मतलब आपको बस बोरिंग सी लगने वाला है इस कॉलेज में, बस जाके आपको इस कॉलेज में पढ़े रहना है और क्लास लेनी है, क्लास भी वो भी ढंग से नहीं लगने वाली है। ठीक है यार, मैं प्लेसमेंट के बात कर रहा हूँ तो प्लेसमेंट जो यार 7 लाख का पता नहीं जाता कि नहीं जाता है, पर यार मैं हाईएस्ट पैकेज में नेट पर देख के बताया हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यार 7 लाख का भी प्लेसमेंट जाता होगा। ठीक है, एवरेज पैकेज तो यार बात ही छोड़ दो, लोएस्ट पैकेज की तो 1 लाख भी चला जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जो कंपनी विजिट करती है यार मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल से वही हकल की बिकाजी कंपनी है वो आ जाती होगी एक दो, और बाकी इंश्योरेंस की कंपनी आती है, मतलब कोई भी कंपनी आती है परफेक्ट नहीं आते। ठीक है, आपको यहाँ पे आप खुद के ही हुनर पे जो प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलेज से कोई उम्मीद मत करिए कि आपको कॉलेज जो प्लेसमेंट देने वाला है, इंटर्नशिप देने वाला है, कुछ भी देने वाला है, मतलब कॉलेज कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो यार डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, समझ लो यार कोई मतलब नहीं, किसी भी कोर्स में बी से बी बी एम टेक कोई भी किसी भी कोर्स में होते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, और कैंपस भी एकदम समझ लो क्या बोलूँ यार, कैंपस में भी कुछ नहीं है, दो टू वन फ्लोर की जो है बिल्डिंग है, मतलब 2 साइड्स और बाकी ग्राउंड भी नहीं है ना कुछ है। ठीक है, ना आपको ग्रीनरी मिल रही, इस कॉलेज में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो यहाँ पे एडमिशन लेना तो समझ लो कि बहुत ही कुछ भी आपको मज़े नहीं आने वाले। या फिर मैं बोल दूँ ये दो कॉलेज है ना, एक बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, कोई दोनों में खास अंतर नहीं है। ठीक है,
आया वो रेटिंग की बात कर रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ भी खास नहीं है, कैंपस लाइफ ही एकदम बेकार सी है, वन पॉइंट प्लेसमेंट भी उतना खास नहीं, वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे ही आपके पास कम लगने वाले हैं, कॉलेज की खुद की कैंटीन तक नहीं है, समझ लीजिए हालात है इस कॉलेज के, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ लो कि जिस कॉलेज में वो क्या बोलते हैं घुसने के लिए गेट नहीं होता है, मतलब मेन गेट नहीं है अच्छा सा है, वो भी किसी एक्सिस बैंक के ओरिजिनल बैंक का वो ओरिजिनल बैंक लगा दिया, वरना तो वहाँ मेन गेट भी नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। एजुकेशन जो है 2.5 ओवर रेटिंग की बात करता हूँ 2.2 मैं दूंगा यार, अब मैं बोलूँगा यार इससे अच्छा तो प्राइवेट कॉलेज से बी टेक कर लो यार, इसमें आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।